हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। और जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट पाट, अल्लाह का शुक्र। और आज का व्लॉग जी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के व्लॉग में ज़रा मज़ा आने वाला है। आज हम सिटी का टूर करने वाले हैं। सुबह सुबह 9 बज रहे हैं, अभी उठाओ मेरी हालत कितनी टाइट लग रही है आपको। अभी बाल बिखरे हुए हैं, अभी सो के उठाऊँ मैं तो। सबसे पहले रेडी होंगे, रेडी होने के बाद अपना जो है हम लोग निकलेंगे शहर की तरफ। आज मैं आपको विंचेस्टर का हल्का फुल्का सा टूर कराने में लगा हूँ। और दूसरा ये कि मुझे कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि मुझे क्या क्या चाहिए और यहाँ पे किस तरह मिलता है, क्या हिसाब किताब है, सब कुछ बताऊंगा आपको। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा। उससे होगा ये कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहेगी और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो जी हम हो चुके हैं रेडी बाहर जाने के लिए और अभी मैं बाहर जाऊंगा। आज आपको मैं हाई स्ट्रीट, जो यहाँ की मेन जगह है, यहाँ पे सारी रौनक होती है, जहाँ पे सारा स्ट्रीट है, बाज़ार है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। बड़ी मज़ेदार चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई है तो मैं वो दिखाना चाह रहा था। आप मेरे बैग पे वो मशीन देख रहे हैं, आपको शायद लग रहा होगा कि ये कोई पेट्रोल वाली मशीन है या कोई ऐसा है। एक्चुअली ये टेस्ला का चार्जर है और आपने टेस्ला के बारे में सुना और देखा होगा कि टेस्ला जो है वो चार्ज होती है। तो ये उन्होंने चार्जिंग की दो उसकी पोर्ट्स हैं, आई थिंक सो, दो चार्जर हैं जहाँ पे एक वक्त में दो गाड़ियाँ लग सकती हैं और यहाँ पे लगाई जाती हैं। और इसको ये पेड़ है, ठीक है, और ये यहाँ पे जगह जगह पे लगी होती हैं। और आप मतलब जिनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा के उसको चार्ज कर सकते हैं। तो एक्चुअली बात पता है क्या, मैं रहता हूँ वो ऊपर अप हिल पर और मुझे जाना है डाउन हिल। ये अभी आपको शायद फील ना हो रहा हो लेकिन ये ऐसे नीचे की तरफ स्लोप है, आगे से जाके थोड़ी ढलवान आएगी और ऊपर से भी इसी तरह नीचे आते हुए। तो मुझे ये तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर जो है वो पैदल ही चलना है और फिर नीचे जाने में तो बहुत आसान है लेकिन आने में 14 तबक रोशन हो जाते हैं आपके। तो ये इधर का हैम्पशायर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पाकिस्तान की तरह तो बिल्कुल नहीं है, रोड क्रॉस करना पड़ता कि जिधर से मर्जी भाग के गुजर गए आप। अभी एक ग्रीन होगा तो फिर मैं रोड की उस साइड पे जा सकूँगा। ये बीप हुआ और ये हम रोड की दूसरी साइड पे, गाड़ी देखें रुक गई। और पाकिस्तान में तो जिधर से मर्जी आप जिधर तो मर्जी लांग जो, कोई पुछे डाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन और रूल्स की खिलाफ वर्जी की नहीं और आप पकड़े नहीं गए और आपको फ़ाइन हुआ नहीं। और फ़ाइन भी बड़ा हैवी होता है और वो इसीलिए हैवी करते हैं कि आपको दोबारा मिस्टेक्स जो हैं वो आप बार बार उसको रिपीट ना करें, इसलिए वो आपको हैवी फ़ाइन करते हैं। तो अभी जो है वो ऐसे वाली जो स्लोप है वो आ चुकी है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से तो आपको वो हल्की फुल्की फील हो रही होगी ऐसे ऊपर की तरफ, लेकिन आगे जाके सही पता लगेगा।
ज़रा चेक करो ना ए कितनी गड्डियाँ जोर ला रही हैं ने ओ नीचे जा रही है यहाँ से ना ऐसे की तरफ। अब ये सारा मुझे नीचे की तरफ जाना है और तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर बनता है वो आपको नज़र आ रहा होगा, और वहाँ फिर जो मेन हाई स्ट्रीट है वहाँ जाके ज़रा थोड़ा सा हैंग आउट करते हैं, इंजॉय करते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा वो अप हिल जा रही है और ये ज़रा ऊपर की तरफ जा रही है कि कितनी ऊंचाई है, ये थोड़ा बहुत आइडिया अभी मैं नीचे जाके आपको कराता हूँ। और ये हमारे भाई ज़रा गोरे गोरियाँ जा रही हैं। तो जी फाइनली पहुंच गया हूं मैं नीचे डाउन हिल पे, और अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कहां से आया हूं। ओ अब आपको फील होगा कि वो कितनी वो ऊपर इस तरह इस आगे आगे हो बहुत ऊपर जाती है क्योंकि टर्न है, आपको सही पता नहीं चल रहा यार। एक गाड़ी का भी अच्छा खासा आवाज़ है आपको समझ आ रही होगी। और ये है जी ग्रेट हॉल, ये एक तरह का यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो कहते हैं ना चौक वो है। और हाई स्ट्रीट में आ चुका हूँ, यहाँ पे आपको लोग भी मिलेंगे, मार्केट्स भी मिलेंगी। ये पूरी हाई स्ट्रीट है नीचे की तरफ, ये इधर रेस्टोरेंट बहुत कुछ आपको जो है वो मिल जाता है। और यहाँ पर लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं, यहाँ पर जिनको शॉपिंग करनी होती है वो शॉपिंग करते हैं, जिनको ग्रॉसरी करनी होती है वो ग्रॉसरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं, होटल्स हैं, बार्स हैं, पब्स हैं, क्लब्स हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। जिस तरह हमारे वहाँ पे एमएम आलम रोड और माल रोड मशहूर है, इसी तरह ये एक पूरी स्ट्रीट है और बड़ी तारीखी स्ट्रीट है, देख सकते हैं, और बड़ा इंजॉय करते हैं यहाँ पर लोग। ये रसेल एंड ब्रॉमले, इनके शूज़ बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये जी ये यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो क्रिश्चियन है, और आप सब लोग समझ रहे होंगे कि किस चीज़ का सिंबल है, आप वो टॉप पे देख सकते हैं। तो यहाँ ये आज यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे बड़ी सस्ती चीज़ें होती हैं, मतलब डील्स लगा देते हैं वो लोग, तो डिफरेंट टाइप्स के स्टॉल्स हैं। इसी तरह ये पूरी स्ट्रीट वो एंड तक हाई स्ट्रीट, यहाँ पे सब जगह पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, इसमें आपको ग्रॉसरी की आइटम्स मिलेंगी, डेकोरेशन की आइटम्स मिलेगी, हाउस होल्ड सब कुछ यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल गया। ओके ये यहाँ पे इनके ट्रेडिशनल क्रॉकरी है, सब चीज़ों के स्टॉल हैं। मज़े की बात है कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं अकेला पाकिस्तानी, और मैंने ना वैसे आज जानबूझ के पाकिस्तानी वाला ड्रेस पहना क्योंकि मैं सबसे डिफरेंट दिखूं। वैसे तो पता नहीं चलता पेंट शर्ट के अंदर, लेकिन शलवार कमीज़ के अंदर आपको सही नज़र आते हो कि डिफरेंट शलवार कमीज़ मैंने पहना हुआ। तो सब लोग मुझे देख भी रहे हैं मेरी ड्रेसिंग की वजह से भी, और दूसरा ये कि मैं हाथ में कैमरा लेके घूम रहा हूँ तो वो भी इसलिए भी देख रहे हैं। तो अब मुझे जाना है सेंसबरी, सेंसबरी यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर है, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है वहाँ से, बस मैं पहुँचने वाला हूँ तो चीज़ें लेंगे, दिखाता हूँ मुझे क्या चाहिए। ये है जी सेंसबरी और हमें यहाँ जाना है।
ये यहाँ का बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, लाइक ये वेजिटेबल्स, और देखिए कितनी फ्रेश हैं। वाह, प्याज देखिए दो तरह के हैं, ये कॉर्न है। तो जी बटर चाहिए, बटर बहुत ज़रूरी है। अच्छा यहाँ पे ना टमाटर का जूस भी मिलता है आपको, ठीक है? तो आप टमाटर का जूस भी पी सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए ऑरेंज और चाहिए भी ट्रॉपिकाना। तो मुझे ट्रॉपिकाना वैसे नज़र नहीं आ रहा। वन एंड ओनली रेड बुल, यहाँ पे सारी ब्रेड्स वगैरह जो हैं वो लगी हुई हैं। मुझे ब्रेड चाहिए क्योंकि मैंने बटर लिया, और उस पर स्प्रेड करने के लिए मुझे ब्रेड चाहिए। ब्रेड होगी, बटर हो गया, रेड बुल होगी। मेन चीज़ जो हमें चाहिए वो है यहाँ पे दूध। दूध जी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, एक तो कैल्शियम के लिए, दूसरा ताकत के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। ये है होल मिल्क, ये है स्किम्ड मिल्क, ये है सेमी स्किम्ड। तो मेरे ख्याल से मुझे चाहिए सेमी स्किम्ड। तो हम यहाँ से तो जी ये आ गया हमारा सेमी स्किम। एप्पल चेक करें कितने फ्रेश हैं, और ये एक पैक हमें भी चाहिए था तो हमने भी ले लिया। सैलेड और ये कटे हुए कुछ फ्रूट नहीं है, तो मैंने एक ये ले लिया, और इसके साथ मैंने ये कुछ पोमग्रेनेट मतलब अनार ले लिया। इतनी भूख, ग्रॉसरी मैंने तकरीबन ले लिया थोड़ी बहुत जो लेनी थी, और ये आपको नज़र आ रही होगी वो पड़ी है। और भी फिर मैंने, क्योंकि यहाँ पे और कुछ ज़्यादा हलाल है नहीं, तो मैंने मैकडोनल्ड्स का फ़िश बर्गर जो है वो ऑर्डर किया, वो हलाल है। तो अभी मेरा मतलब आने वाला है नंबर वो के ऊपर, नो कम्प्रोमाइज़। ये हमारी मील है और इसको भी हम इंजॉय करेंगे, भूख मिटाएंगे और फिर घर को जाएंगे। देख रहे हैं अंधेरा होना शुरू हो गया, हमने ये सामान भी ले लिया, मैकडोनल्ड्स भी इंजॉय कर लिया, और अब जो मैं हूँ वापस जा रहा हूँ। अब हिल जाना है सामान उठा के, वीडियो बनाना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि चढ़ाई चढ़नी है, स्टेबिलिटी नहीं होगी और मज़ा नहीं आएगा वीडियो का। तो अभी मैं आपसे मिलता हूँ अपने घर पर जा कर। तो जी मैं आ गया था घर, और इस टाइम यकीन माने जो पैरों के में दर्द हो रहा है ना, ओए हो मेरे टांगों के अंदर जो दर्द हो रहा है, शदीद किस्म का दर्द है। और इसलिए अब मेरा लाइक बनता है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जो करना है कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।